सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आज मैं सुबह सुबह व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, आज मैं रात से व्लॉग स्टार्ट करूंगा क्योंकि आज है दिवाली। तो दिवाली का मैं सोच रहा था कि दिवाली का रात में ही व्लॉग बनाऊंगा। दिवाली का रात में ही मजा है, दिन में तो कुछ करना ही नहीं है, इसलिए मैंने दिन में व्लॉग नहीं बनाया। मैंने ये सोच लिया था कि व्लॉग यह रात में ही बनाऊंगा। फिलहाल शाम हो रही है, अभी लोग बाग अपने घर में लड़िया वगैरह लगाएंगे, लाइटिंग वगैरह करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब लगानी शुरू कर दी लोगों ने लाइटिंग वगैरह, लेकिन अभी निकल रखा है दिन, तो आज दिन का व्लॉग नहीं है, आज होगा रात का व्लॉग, तब मजा आएगा रात को व्लॉग करने में। आज है दिवाली और दिवाली पे लाइटिंग रहती है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। ठीक है, तो मिलते हैं आपको रात में, मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वीके सनी। तो आप लोगों को सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली गाइस। आप लोग अच्छी तरीके से पटाखे चलाओ, अच्छी तरीके से मिठाइयां खाओ, और दोस्तों से और फैमिली के साथ मिलकर दिवाली मनाओ, और शराब वराब ना पियो क्योंकि ज्यादातर लोग शराब वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं फेस्टिवल को सोच के। तो अभी एक लड़का ये पटाखे वटाखे ले जा रहा था और ये गिर गया बेचारा, मुझे लगी इसकी साइकिल वाइकिल वहाँ पड़ी हुई है। जैसे कि दिवाली का टाइम होता है, और दिवाली के टाइम पे रहती है मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़, और ये फूल वूल जो दे रहे हैं ना, मतलब ये इन दिनों ना, मतलब दिवाली के टाइम पे फूल वूल बहुत महंगे करके रखते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही महंगे कर देते हैं दिवाली के टाइम ना, इतने महंगे नहीं करने चाहिए। भीड़ देखो कितनी हो रही है मार्केटों में, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना दिवाली की वजह से भीड़ हो रखी है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ व्हाट्सअप भाई को लेने, और फिलहाल ये देखो आप कितना बढ़िया हो रहा है, मतलब सारा जगमग हो रखा है। और भैया कैसे हो, हैप्पी दिवाली भैया। सो गाइस अभी देखो आज, हाँ मुझे मैंने अभी चलाई, मुझे सही लगी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया भैया। तो ये अपना पूरा का पूरा घर, यहाँ से देखो कितनी सारी लड़ी लगी हुई है और कितना बढ़िया लग रहा है। तो दिवाली पे आज बन रही है पूरी अपनी हैप्पी दिवाली। तो आज बाइक का कोई सीन है, और मतलब बाइक को बिठा दिया मैंने बाइक पे, मैंने कहा थोड़ा सा बाइक पे घूम लेते हैं, चलते हैं अपना गाइस, और दिखाता हूँ आपको आज दिवाली की रौनक। दिवाली में क्या मेन चीज क्या होती है, मेन तो मतलब यही होता है कि कितना सुंदर लगता है ये सजा हुआ, ये देखिए सबके घर कितने बढ़िया लग रहे हैं, और अलग ही एक लुक आता है, मतलब सबने अलग अलग चीज लगाई हुई है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने अलग तरीके से सजा रखा है, तो बड़ा ही बढ़िया लगता है दिवाली वाले दिन ये सब चीजें। व्हाट्सअप भाई के साथ जा रहा हूँ पटाखे लेने, पटाखे हम लोग नहीं चलाएंगे क्योंकि यार पटाखे अब हम चलाते नहीं है क्योंकि एनिमल्स वगैरह को थोड़ा सा आम आम पहुँचता है ना, तो अभी पटाखे लेने जा रहे हैं हम अनाया के लिए। अभी बच्चों के लिए पटाखे वटाखे लेने जा रहे हैं, तो वो चला लेंगे तो वहाँ मिलेगा हमें शो भी, जो अपनी कमीशन पहले ही तय कर रखे हैं जिसमें पटाखे वालों से, तो दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, वहाँ पे शायद उनने पटाखे वटाखे की दुकान भी लगा रखी हो, देखते हैं वही चल के पता लगेगा। तो हमें मिल गया शोभी भाई, ये अपने बाल सेट कर रहे थे जबकि बाल इनके सेट करने लगे। इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पटाखे दिलवाने के लिए, शायद इन्होंने अपनी कमीशन पहले ही सेट कर रखी है। हेलमेट लगा लिया, हेलमेट लगा लिया ध्यान उठ के, और व्हाट्सअप भाई बाइक पे बैठ के येलो येलो हो रहे भाई, येलो येलो ट्वेंटी येलो मैच कर रहा भाई, बहुत तो खराब करने की जरूरत है नहीं। और बाल क्यों सेट कर रहा था जब तेरे बाल है नहीं इस लायक सेट करने लायक। तेरे बाल है भी तो नहीं इस लायक के। साइज ये जीत पिक्चर के सनी देओल बन रहे हैं, लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं पहुंच चुका हूं नेहरू स्टेडियम में, और यहां पे मिल रहे हैं आज पटाखे, मतलब रुड़की के जितने भी पटाखे छटाखे हैं सब यहीं पे मिलते हैं। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब पटाखे मिल रहे हैं ना नेहरू स्टेडियम में, तो इन्होंने यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी खड़ी कर रखी है ताकि अगर आग वाग लग जाए ना तो उससे मतलब थोड़ा बचा लें लोग, और फायर ब्रिगेड पूरी इसी वजह से खड़ी हुई है यहाँ पे। और फिलहाल तो शोभी और व्हाट्सअप जो है ढूंढ रहे हैं कोई पटाखों की शॉप। अभी शोभी भाई हमें लेके आए गुप्ता जी पटाखे वालों के यहाँ, तो गुप्ता जी पटाखे वालों के यहाँ होंगे शोभी भाई की कमीशन, तो अभी लेते हैं यहाँ से पटाखे वटाखे ले लेते हैं। कमीशन बांध रखी मुझे लगे भाई शोभी भाई ने यहाँ पे पटाखे वालों से, है भाई वो दिखा दे। सो गाइस हम गुप्ता भाई की दुकान पे आए हैं, और यहाँ पर हमें इन्होंने डिस्काउंट की बात चल रही है अभी फिलहाल के डिस्काउंट देंगे या नहीं। पटाखे ले लिए हमने करीबन कोई 8-9 हज़ार रुपए के, और डिस्काउंट की बात चल रही है फिलहाल। पटाखे वटाखे ले लिए हमने, और शोभी भाई ने भी अपनी कमीशन तय कर ली फिलहाल।
वो घूम रहा है फिलहाल मुझे भागे क्योंकि कमीशन तय कर रखी है ना पूरी है भाई पुराने टाइम के यार। वो बंदूक बंदूक देख लेते हैं, वो जो बंदूकें होती है ना वो एक दूसरे पे फिर हमला हो जाएगा ना बढ़िया है, वो बंदूकें लेके हमला हो जाएगा ना एक दूसरे पे फिर बढ़िया। भाई साहब मैं तो निकाल के अपनी साफ वाफ कर ली है, फायर भी कर रखी है घर में, कर ली थी साफ और क्या। अच्छा जी यार अभी तो घर फायर कर रखे थे। तेरी कहाँ रो जो भी मेरी आगे सब छिल गई अभी बिक रही वो बंदूकें। भाई अभी मैंने भाई से पूछा, मैंने भाई बंदूक का क्या रेट है, अभी हम दुनाली ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा ज्यादा हैवी हो जाएगा ना फिर, असल में इधर उधर हम डाका वाका डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अभी दुनाली ले ली हमने। और मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई के कितने पैसे हो गए, तो भाई ने कहा भाई ले जाओ, मैंने क्या बहुत इज्जत करता है मेरी शोभी भाई कहते शोभी भाई की अब नहीं मुझुआ रहा अब भाई इज्जत कर रहे हैं शोभी भाई की, तो दो बंदूकें अपनी हो गई अपने पास ठीक है, तो अभी भाई को पैसे दे देते हैं ऐसे नहीं लेके जाने के भाई ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है ऐसे ले जाना। कार्टेज कितने लेने हैं इसके, तो कार्टेज वार्टेज ले लेते हैं हम। हमला हो गया एक दूसरे पे मतलब ओ खतरनाक खतरनाक मतलब इस वाली बंदूक से डर गया, असली वाली से क्या होगा है, असली वाली से क्या होगा तेरा जब तू प्लास्टिक वाली से डर गया, बस शरीर शरीर बड़ा कर रखा तुमने। ये मोबाइल ऑन होते ही सुधर के बोल रहे निकल के लग रही है निकल के लग रही है यार अबे ब्लैक ले ले ब्लैक ब्लैक सही रहेगी। ये भाई लोग भी मिल गए अपने, अबे क्या ले रहे भाई तुम, लेना है कुछ, गोली मार दो तुम्हारे गोली मार दो ले लो कुछ लेना है क्या, असला ले लिया, असला बारूद ले चुके हैं हम, अब हमारा बस डकैती का टाइम रह गया कि डकैती मारनी है जो, तो डकैती मारने के लिए निकलते हैं। ये देखो अपनी गन बुरी तैयार है तो चलते हैं और फायरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो भीड़ ज्यादा है तो भीड़ को हटाने का एक ही फंड है पीठ में वार पता है बट सब भाई जाएंगे बाइक पे और मैं चलूंगा शोभी के साथ ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी वीडियो भी बनानी तो अभी एक दूसरे पे कर रहे हैं फिलहाल हमला। कुड़की पे राज है अपना रंजीत कौन है भाई है क्या कोई देख इसमें ओ चलाओ यार ओ सन्नी भाई वीडियो दिखाओ भाई वीडियो तो सही बन रहा है ओ भाई साहब चाहिए तो ये चाहिए ले लो दो ना मामा ले चलाओ प्लीज दे दो ना ले चलाओ चलाओ इसे पकड़ के यहाँ से चलाओ 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 इससे ये अपनी चाहिए भाई साहब खतरनाक क्या कह रहा उड़ा दिया रे खतरनाक भाई साहब
भाई साहब खतरनाक खतरनाक धुआं धुआं चारों तरफ। ओह गाइस ये देखो कितना धुआं। ओ भाई साहब कुछ दिखाई नहीं देगा, इतनी बुरी हालत हो गई। ओ दूसरा एकदम दूसरा भी रख दिया एकदम से। बच्चे एंजॉय कर रहे भाई। हिंदुस्तान की एकता अखंडता प्रतीक है, सभी लोग आपस में मिलकर दिवाली मना रहे। भाई वाह, मुस्लिम भी मना रहे, हिंदू भी मना रहे। इतना सस्ता था कि हमारे पे बोतल नहीं। ओ सॉलिड भाई सॉलिड। वही वाह अभी उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमने अपनी एक मिसाइल तैयार कर लिया। देखते हैं ये मिसाइल जाती है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्लॉप हो गई। और ये सो गाइस जवाबी तौर पे हमला दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। छोड़ दो बढ़िया ना, अभी रखो अभी यहाँ रखिए तो गाइस आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली मनाई है बहुत ही जबरदस्त। फिलहाल मैं होटल पे आ गया हूँ क्योंकि होटल पे कोई नहीं है। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।